काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि विमेंस डे को बहुत ज़्यादा आबोताब से मनाया जाता है, जबकि मेरे हिसाब से औरत ज़ात के लिए एक दिन मुख्तस करना ही उसकी तौहीन है। आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी डे इज़ विमेंस डे। अब हम बात फेमिनिज़म की कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ट्रू डेफिनेशन की, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी हुई है, which actually is that feminism is a belief that women have same rights and opportunities as men, यानी कि औरतों को वही हकूक़ और मवाक़े फराहम होने चाहिए जो कि मर्दों को हैं। अब इस डेफिनेशन को हमारी सोसाइटी में देसी फेमिनिस्ट्स ने कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया है जिसे सुन के हमारे माइंड में एक फेमिनिस्ट का जो इमेज आता है वो कुछ यूँ है कि वो एक ऐसी औरत है जो कि औरतों के हकूक़ के बारे में कम और मर्दों को बुरा भला कहने में, उन पे लानत फटकार करने में, उनको नीचा दिखाने पे ज़्यादा फोकस करती है। सो फेमिनिज़म इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स। लास्ट ईयर जो औरत मार्च हुआ था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ किया था। आई पर्सनली बिलीव कि मार्च करने में कोई हर्ज नहीं है। हर इंसान का एक अपना व्यू पॉइंट है और अपनी राय लोगों तक पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है। आप उसे बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो स्लोगन्स सामने आए थे देखने को, उसमें बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स थे जिससे मॉडर्न लोगों को भी एतराज़ था और काफ़ी उस पर बहस मुबाहिसा हुआ था। तो जहाँ तक हमारे मुल्क की बात है, जो एवरेज पाकिस्तानी औरत है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, उसको उसके बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे। जिस सोसाइटी में औरत का तहफ़्फ़ुज़, उसकी तालीम, उसका मुस्तकबिल, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी भी कुछ सिचुएशंस में दाव पर है, वहाँ पे ऐसे स्लोगन्स लेके आना जिसमें खाना गर्म करने पे बात हो रही है, या कपड़े पहनने पे बात हो रही है, या फिर पोस्चर बैठने के पे बात हो रही है, शायद उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि फेमिनिज़म को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उस हिसाब से हम सबको, इस मुल्क की औरत को तालीम देनी है, उसे एजुकेट करना है। और तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक एवरेज पाकिस्तानी औरत को एजुकेट करेंगे तो मुआशरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। और जहाँ तक बात ठहरी कपड़ों की या लाइफस्टाइल की, जैसे कि हमारे सामने काफ़ी स्लोगन्स आए थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, दैट्स फेयर एनफ। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें आपकी मर्ज़ी, किसी को कोई राइट नहीं है कि वो आपके पहनावे पर या आपकी लाइफस्टाइल पे कॉमेंट करे, फिर चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ट्रू फेमिनिज़म तब प्रैक्टिस होगा जब हम एक एवरेज पाकिस्तानी औरत को इतना बाशऊर कर देंगे तालीम से या किसी और हुनर से कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ गामजन हो। अगर आपके फेमिनिज़म के बारे में कुछ व्यूज़ हैं तो फील फ्री टू शेयर विद अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन YouTube। We'll meet you in the next video. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.